हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली दोस्तों, TVS जो रोनिन है वो हमारे यहाँ आ चुकी है। अब भाई हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो इस बार ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई, वरना TVS की बाइक्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। TVS की नहीं यार, सभी बाइक्स को हमारे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा मतलब बड़ी सिटी में हम लोग रहते नहीं, बट फिर भी ये बाइक आ गई है तो बहुत बड़ी बात है। आज की इस वीडियो में दोस्तों, इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका इंजन है, कैसे इसका स्पीडोमीटर है, कैसे इसकी लाइट है, क्या प्राइस है, और आपको बताना चाहूँगा कि ये बेस मॉडल है, ठीक है। बेस मॉडल और टॉप मॉडल में थोड़ा सा फ़र्क भी है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं रोनिन के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरी वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि ये बेस मॉडल आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। देखिए, ये वाली आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 149,000 यानी कि 150,000 150,000 रुपये के आसपास की जो है एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर बात कर लें दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 174,000 174,000 से 175,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है ना। हर एक स्टेशन सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक सिटी एंड RTO में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये बाइक हमारे यहाँ लगभग 175,000 175,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बाइक के इंजन के बारे में कि क्या इंजन आपको TVS की तरफ से इसमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इंजन में आपको बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा इंजन टाइप के बारे में। इंजन टाइप में आपको इस बाइक में ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक 4 वॉल्व SOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस बाइक में जो CC है, बाइक का जो CC कैपेसिटी है, जो इंजन यूज़ किया गया वो 225.9 जी हाँ 225.9 cc का जो इंजन है वो यूज़ किया गया है। बात करें मैक्सिमम पावर के बारे में, तो अराउंड 20.4 के आसपास का PS पावर है एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 19.93 के आसपास का जो टॉर्क है वो आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब पावर इन जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को इस बाइक में बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। साथ में आप लोगों को इस बाइक में SS स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है, और स्लीपर क्लच होने की वजह से आपको इस बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड बता दूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो इस बाइक का जो इंजन है वो TVS ने नया इंजन यूज़ किया है, तो आप लोगों को इस बाइक में जो वाइब्रेशन है वो भी आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही वाइब्रेशन लेस बाइक है। साथ में ऑयल कूल इंजन है, तो आपको यहाँ पर रेडिएटर भी देखने को मिल रहा है, छोटा सा रेडिएटर। ऑयल कूल इंजन के बारे में मैंने आप लोगों को एक बार बताया था अच्छी तरीके से कि क्या होता है ऑयल कूल इंजन, लिक्विड कूल इंजन एंड एयर कूल इंजन के फ़र्क जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। ये तो दोस्तों बाइक का कम्प्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया। तो ये तो दोस्तों इस बाइक का इंजन हो गया। फ्रंट में आते हैं। फ्रंट में सबसे पहले सस्पेंशन देख पा रहे हैं। इस बाइक में आप लोगों को USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है। टॉप मॉडल में आप लोगों को ये गोल्डन कलर देखने को मिलते हैं, और टॉप मॉडल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। गोल्डन कलर सस्पेंशन बहुत ही अच्छे लगते हैं। टायर साइज़ के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो फ्रंट में आप लोगों को इस बाइक में 110/70 का जो टायर है फ्रंट में देखने को मिलता है। 17 inch wheel के साथ में आते हैं। और अगर प्लेट के बारे में बात करें तो ये 300 mm की प्लेट है, 300 mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में यूज़ की गई है। एंड मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपको टॉप मॉडल में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और इस वाली वेरिएंट में आप लोगों को सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये भी फ़र्क है। 16 के सस्पेंशन है। सस्पेंशन इसके भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यहाँ पे दिए गए हैं TVS की तरफ से। बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। लाइट देख पा रहे हैं आप लोगों को बाइक में बहुत ही अच्छी T-शेप में LED लाइट देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी T-शेप में लाइट है, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको ये फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलती है। फुली LED लाइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा आपको कोई फॉग लाइट लगाने की नीड पड़ेगी। टर्न सिग्नल लैंप भी आप लोगों को इस बाइक में जो है वो LED देखने को मिलता है। तो आप ये टर्न सिग्नल लैंप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे LED टर्न सिग्नल लैंप जो लाइट है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर रियर में आए तो रियर में भी आप लोगों को टेल लाइट जो है काफ़ी अच्छी LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। साथ में बात करें रियर टायर साइज़ के बारे में, तो 130/70 130/70 के जो टायर है वो रियर में देखने को मिल जाते हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो प्लेट साइज़ मिल रही है रियर वाली वो लगभग आप लोगों को इसमें देखने को मिल रही है, और 240 mm की 240 mm के आसपास की जो है वो आप लोगों को रियर में प्लेट साइज़ देखने को मिल रही है। साथ में रियर में आप लोगों को इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके
स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको इसमें देखने को मिल रही है। की का वेट काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा है, ठीक है। और अब देख लो भाई इसकी मीटर, कि आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिला है राउंड शेप में। फीचर्स की कोई कमी नहीं, फीचर्स में बहुत सारे हैं। क्या क्या फीचर है, इसका आरपीएम मीटर है, इसका क्लॉक है, ये गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको ट्रिप वन ट्रिप टू ओडोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे आपको मोड्स मिल देखने को मिलते हैं, मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अर्बन एंड रेन मोड, दो मोड आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलेंगे, मोड एंड सेट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये इसका पास सीज लो बीम हाई बीम टनल सिंगल लैप हॉर्न इंजन के स्विच सेल्फ का स्विच सॉरी मोड का स्विच हजार्ड का स्विच और सेल्फ का जो स्विच है आप लोगों को इस बाइक में मिल जाता है। एंड दोस्तों बात कर लें इस बाइक की सीट हाइट के बारे में, कि क्या सीट हाइट है इस बाइक की, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी अराउंड सीट हाइट है इसकी 795 mm के आसपास की सीट हाइट है, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.2 और सुपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 181 mm के आसपास की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 14 लीटर की, 14 लीटर जो पेट्रोल है एक बार में इस बाइक में फ्यूल करा सकते हो। और इस बाइक की ओवरऑल जो लेंथ है वो 2040 mm के आसपास की ओवरऑल लेंथ जो आप लोगों को इस बाइक की देखने को मिल जाती है। तो इधर दोस्तों टीवीएस रोरिन का बेस मॉडल रेड कलर, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पूरी अच्छी लगी लाइक करना भाई, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।